हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर होम ट्रेड थर्ड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के रिवीजन पर बात करेंगे और प्लस हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं सो हमने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन एंड कंटेंट्स ऑफ invoice. वॉयस का मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं सो वॉट इज इनवॉइस इनवॉइस वो होता है ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है पहली बात तो ये और दूसरी चीज़ ये कि ये सेलर लिखता है सेलर प्रिपेयर करता है किसके लिए बायर के लिए इसमें वो सारी चीज़ें दिए रहती हैं जो बायर हमारा ऑर्डर प्लेस करता है उसने जो भी गुड्स ऑर्डर प्लेस किए होंगे उन सभी गुड्स की क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस रेट कितना डिस्काउंट दिया गया है और सेलर ने बायर के बिहाफ पर कितना एक्सपेंसेस किए हैं ये सभी चीज़ें किस में इंक्लूडेड रहती हैं किस में लिखी रहती हैं इन में जिससे कि बायर को पता चल जाए कि उसे कितना अमाउंट पे करना है अपने गुड्स का उसे कितना गुड्स रिसीव हुआ है उसके गुड्स अकॉर्डिंग टू देर ऑर्डर है कि नहीं ये भी वो चेक करता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है जे एल हैंसन ने इनॉयस इज द डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स और कमोडिटीज एंड विच प्रोवाइड्स द गिस्ट ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन वही चीज़ इन्होंने भी कही है कि इन वॉयस एक डॉक्यूमेंट है जो रिलेट करता है सेल्स ऑफ गुड्स जितना भी हम सेल करते हैं ठीक है थीके? और प्लस इसमें वो सारी डिटेल्स दी रहती हैं उस गुड से रिलेटेड कितना डिस्काउंट है कितना पेमेंट करना है कितना एक्सपेंसेस इसके ऊपर पड़ा कितनी क्वांटिटी है कि क्या क्वालिटी है प्राइस क्या है इन सभी का एक पूरा डिटेल देता है ये अब बात करते हैं हम इसके कंटेंट्स के बारे में कि इन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं फर्स्ट द नेम एंड परचेजर अलॉन्ग विद एड्रेस्ट Second, the name and place of the seller. Third, telephone number. Fourth, order number and invoice number. Fifth, dispatch date. Sixth, date of goods dispatched and total value. Seventh, rate of trade, discount allowed and total value of discount. Eighth, expenses incurred by the seller on behalf of the buyer. Ninth, the mode of dispatching goods. Tenth, एडवांस रिसीव फ्रॉम द बायर अलॉन्ग विद द ऑर्डर एंड विच हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द इन वॉयस अमाउंट एलेवेंथ नेट अमाउंट पेबल बाय द बायर ट्वेल्थ द मोड ऑफ सेंडिंग रेलवे रिसिप्ट इट्स नंबर प्रोसीजर फॉर ऑप्टेनिंग द रेलवे रिसिप्ट थर्टीन ई एंड ओ ई एंड फोर्टीन सिग्नेचर सो ये वो कंटेंट्स हैं जो हमारे इन वॉयस में होते हैं हमने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था काइंड ऑफ इन पर सो so, हमारे इन वॉयस कितने टाइप्स के होते हैं सिक्स टाइप्स के कौन कौन से लोको इन वॉयस प्राइस इन ऑन रेलवे इन कॉस्ट एंड फ्रीट इन कॉस्ट इंश्योरेंट एंड फ्रीड इन वॉयस फ्रैंको इन फिर नेक्स्ट हमने हमारे थर्ड लेक्चर में एडवांटेज ऑफ इन पर बात की थी इन के क्या एडवांटेज हैं फर्स्ट टैली ऑफ़ गुड्स हम अपने गुड्स को टैली कर सकते हैं सेकेंड नॉलेज ऑफ प्राइस हमें अपने प्राइसेस की नॉलेज होती है थर्ड नॉलेज अबाउट पेमेंट हमें कितना पे करना है उसके बारे में पता चलता है फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट हम जो अकाउंट बनाते हैं उसमें हेल्प मिलती है फिफ्थ डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स प्राइस वो सेल्स प्राइस को डिटरमाइन करता है सिक्स्थ ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय सेलर ने कितना पे किया बायर के बिहाफ पर ये भी पता चलता है सो so, ये थे हमारे इन के कुछ एडवांटेजेस नेक्स्ट इसी पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोफामा ऑफ इनवॉइस की। प्रोफार्मा ऑफ इन क्या होता है ये एक रफली इनवॉइस होता है जो बायर के कहने पे बनाया जाता है जिसमें हम सेलर से कहते हैं कि आप मुझे आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये गुड्स परचेज करता हूँ तो मुझे कितना पैसे देने पड़ेंगे और अगर ये गुड्स परचेज करता हूँ तो कितना देना पड़ता है अब प्रोफामा की नीड क्यों पड़ती है नीड ऑफ प्रोफार्मा इनवाइस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ न्यू कस्टमर जब कोई बिजनेस में न्यू कस्टमर आता है तो उसके लिए प्रोफामा इन्वॉइस बनता है सेकेंड अलॉन्ग विद द गुड्स विच आर टू बी सैंक्शनड कभी कभार सेलर अपने गुड्स को बायर के पास भेजता है और क्या और प्रोफार्मा बना के भेजता है कि आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए और जो नहीं पसंद आए आप हमें वापस कर दीजिए बाकी बायर अपने अकॉर्डिंग अपने गुड्स को पसंद करता है उसे जो गुड्स पसंद आते हैं उसको परचेज कर लेता है और ऑर्डर बता देता है कि मैंने ये गुड्स लिए बाकी को रिटर्न कर देता है और फिर जो गुड्स बायर ने लिए होंगे उसका इन्वाइस बना के सेलर सेंड कर देता है थर्ड एडवांस पेमेंट एडवांस पेमेंट, एड़्वांस पेमेंट। जब हमें प्रोफामा पता चल गया कि हाँ हमारा इतना एक्सपेंस होगा इस गुड्स को परचेज करने में तो उसमें हम एडवांस पेमेंट भी कर सकते कि आप इतना अभी रखिए हम बाद वाला बाद में देंगे नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट पहले हम अपने गुड्स की नॉलेज लेते हैं कि वो कितने प्राइस में जा रहे हैं और उसके बाद में उसका अरेंजमेंट करते हैं उस गुड्स को परचेज करने में फिफ्थ है कंसाइनमेंट बिजनेस कंसाइनमेंट बिजनेस में भी हमारा प्रोफामा इन्वाइस हेल्प करता है कंसाइनर एक प्रोफामा इन्वाइस बना के अपने कंसाइनी को सेंड करता है कि आपने अगर इस इस अकॉर्डिंग हमारे गुड्स सेंड किए सेल किए और इतने इतना डिस्काउंट दिया तो फिर इतने का आपका सेलिंग आएगा इतना का ये आएगा बट वो हमारा प्रॉपर इन नहीं बनता क्योंकि अभी तक गुड्स तो सेल आउट ही नहीं हुए ये बस हमने आइडिया लगाया कि इतना हो सकता है हमने हमारे फोर्थ पार्ट में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस सो इसका हमने फुल डिस्क्रिप्शन हमारे फोर्थ पार्ट में दे रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक करिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है आप चेक कर सकते हैं कि इसी पार्ट में हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर बात की थी डेबिट नोट जब बायर अंडर चार्ज हो जाता है कि बायर ने जितना पेमेंट करना था उससे कम पेमेंट कर दिया तो सेलर ये इन्फॉर्म करता है बायर को कि आपने हमको अंडरचार्ज किया है इतना कम पेमेंट किया है और इस नोट को हम किसी भी पेन से लिख सकते हैं नेक्स्ट था हमारा क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है जब बायर ओवर हो जाता है तब वो कंप्लेन करता है सेलर को कि आपने हमसे ओवरचार्ज किया आपने हमसे ज़्यादा अमाउंट पे करवाया तो सेलर को जब ये रियलाइज़ होता है या सेलर जब चेक करता है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और एक क्रेडिट नोट लिख के देता है कि हाँ मैं मेरे से गलती हुई थी और मैं इतने अमाउंट से उस अमाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ और ये हमारा रेड इंक से लिखा जाता है नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट था फिफ्थ पार्ट जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सेल्स अकाउंट और इसके प्रोफामा के बारे में पढ़ा था सो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेलर प्रिपेयर करता है बायर के लिए मोस्टली बायर बायर जो होते हैं वो परचेज करते रहते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और टाइम टू टे उसका पेमेंट करते रहते हैं जिससे बायर और सेलर दोनों ही अपने ट्रांजैक्शन की एंट्रीज यानी कि अपने ट्रांजैक्शन का अकाउंट बनाते हैं और सेलर ये अकाउंट प्रिपेयर करता है बायर के लिए उसमें इसके अंदर वो सभी ट्रांजेक्शन मैंशन किए रहते हैं जो बायर ने उस मंथ में या उस वीक में या उस ईयर में वो जिस पीरियड के अकॉर्डिंग बनाता है उस टाइम पीरियड में उस बायर ने जितने भी गुड्स परचेज किए थे या रिटर्न किए थे और पेमेंट किया था वो सभी चीज़ इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मेंशन रहती है अकाउंट सेल्स क्या होता है ये कंसाइनी प्रिपेयर करता है कंसाइनर के लिए जब सेलर अपने गुड्स को सेल आउट करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट करता है और उससे कहता है कि आप इस सिटी में हमारे गुड्स को सेल आउट करो तो सेल तो एजेंट उस गुड्स को जब सेल आउट करता है जिस डिस्काउंट पर और जो जो लॉस होता है या जो भी एक्सपेंसेस वो करता है उन सभी को उन सभी का अकाउंट बनाकर वो किसे सेंड करता है सेलर को यानी कि अपने ओनर को कंसाइनर और वो कंसाइनर उस कंसाइनी को क्या देता है कमीशन देता है इसका प्रोफार्म हमने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और इसका एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था सो so, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज देखिए इसमें लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में सो so, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर शॉर्ट क्वेश्चन में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोफार्माइन वॉइस वेन इज इट नीडेड नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट थर्ड है वॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हाउ इज इट प्रिपेर्ड लॉन्ग में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इन वॉयस एंड प्रोफार्मा इन वॉइस वेन प्रोफार्मा इन वॉइस इज यूज एंड सेकेंड है व्हाट इज इन वॉइस प्रिपेर एंड इनवॉइस इन प्रॉपर प्रोफार्मा विथ इमेजनेरी इंफॉर्मेशन अच्छा जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आये की आपको प्रोफार्मा बनाना है विथ इमेजनेरी इन्फॉर्मेशन तो जहाँ पे इमेजनेरी इन्फॉर्मेशन आता है तो वहाँ पे आप जो भी अमाउंट लिखोगे वो आप खुद से बना के लिखोगे सो so, ये था हमारे चैप्टर का रिविजन और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें थैंक यू हैव अ गुड डे